भारत देश इस वर्ष 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। ये साल जो हमारा स्वतंत्रता दिवस है, इसकी जो थीम है वो है विकसित भारत। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 2047 तक का लक्ष्य है कि हम भारत को एक विकसित भारत बना देंगे। विकसित भारत बनाने के लिए सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाली चीज़ है वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हर देश के लिए एक बहुत ही जरूरी और बहुत ही संभावनाओं से भरा हुआ क्षेत्र है। ऐसा कहा जाता है कि जिस देश के पास सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन रहेगी, जिस देश के पास सबसे ज़्यादा सूचना रहेगी, वो देश सबसे ज़्यादा शक्तिशाली समृद्ध होगा। और इसी इंफॉर्मेशन को हम विभिन्न माध्यम से कलेक्ट करते जा रहे हैं। बहुत सारी सूचनाएं, उनका आकलन, उनका एनालिसिस और उन सूचनाओं के माध्यम से हम जो डिसीजन मेकिंग करते हैं, उन सबसे हमारा देश धीरे धीरे तरक्की की ओर, विकसित भारत की ओर बढ़ता चला जा रहा है। पहले जो चीज़ें हम आयात करते थे, मंगाते थे, अब हम वो चीज़ अपने देश में स्वयं बनाने लगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें, चाहे वो DRDO ने बनाई हो या इसरो ने संभावनाएं बनाई हैं, तो ये सब संभव हुआ है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन से। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आई, कम्युनिकेशन आई और हमारे इंडियन जो स्पेस रिसर्च प्रोग्राम है, इसरो ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने अपना खुद का कम्युनिकेशन बनाया, जहां पृथ्वी से लेके चंद्रमा तक, पृथ्वी से लेके मार्स तक हमारा खुद का कम्युनिकेशन है। इसके लिए हमें किसी भी दूसरे देश पे हमें अपना ये डिपेंडेंट नहीं होना पड़ा। हमारा इस पूरे प्रोग्राम का नाम है भुवन। इससे हम भुवन जो संचार नेटवर्क है, इससे हम अपने सभी ट्रेन्स को भी आपस में कनेक्ट करके रखते हैं। उनकी लोकेशंस, वो कहाँ पे किस स्थिति में है, इन सभी चीज़ का हम आसानी से पता लगा लेते हैं। बच्चों, एक चीज़ का मैं ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा, इस स्वतंत्रता दिवस पे जिसमें विकसित भारत का एक सपना देखा गया, लेकिन साथ साथ में एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि ये जो इंफॉर्मेशन कलेक्शंस की शुरुआत कहाँ से हुई, तो आप लोगों को पता होगा ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन ग्लेशियर हाई एल्टीट्यूड बैटल फील्ड है। इस बैटल फील्ड पे 6000 मीटर की ऊंचाई पे हमारे भारतीय सैनिक सबसे पहले 83-84 के दौरान वहाँ पे पहुँचे थे, क्योंकि ये वो क्षेत्र था जहाँ से सिल्क रूट जाता था चाइना से पाकिस्तान और यूरोप की तरफ, तो इस पे भारतीयों का कब्जा होना जरूरी था। तो सियाचिन ग्लेशियर जहाँ पे -70 डिग्री टेम्परेचर रहता है, -70 डिग्री में हमारे जो मेजर जनरल हून थे, उन्होंने एक ऐसी आशंका जताई कि इस जो तीनों पॉइंट थे, बेला गोंडला, गंगला और ऐसी तीन पहाड़ों की चोटी थी जिन पे इंडिया का कब्जा होना जरूरी था। तो जो भी इंटेलिजेंस से हमें इंफॉर्मेशन मिल रही थी, उसमें हमें इन चोटियों पे काबिज होना था। अब बात आई कि इतने कम टेम्परेचर में भारतीय जवान कैसे रहें, -30 से लेके -70 डिग्री, और जब ठंडी हवाएं चलती हैं तो -80। अब आप सोचिए कि आज हम थोड़ी सी ठंड में 17 डिग्री टेम्परेचर या 15 डिग्री टेम्परेचर में ही हम कांपने लगते हैं, तो अब वो तो माइनस में था। तो इसके लिए हमें चाहिए थे बूट्स, स्वेटर्स, जैकेट, गॉगल्स, जहाँ पे हम अपनी याददाश्त तक भूल जाते हैं हाई एल्टीट्यूड परम्यूटेशन के कारण। तो उस परिस्थिति में जब उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने उनसे कहा कि आप यूरोपियन कंट्रीज से ये सब सामग्री जुटा के लाइए, तब हून साहब ने वहाँ पे जितने भी जो हमारे डीलर थे उनको फोन लगाया, तब उनने बोला कि हमारे पास ये सामग्री उपलब्ध नहीं है, लेकिन हम आपको एक दूसरे डीलर्स का वो सामान, वो नंबर दे दे रहे हैं, तो आप उनसे बात कर लो।
तब इनके दिमाग में ये हुआ कि यहाँ पे तो हम यहाँ पे कोटेशन बुला रहे हैं और वहां पे जो पाकिस्तान थे वहां से सारी चीजें पहले ही वहां पे नगद कैश में खरीदी चल रही थी। तब आनंद फानंद में हमने अपने रशियंस दोस्त कुछ अलग अलग जगह से ये सब सामान जुटाया और बेला फोंडला पे सेना की टुकड़ी हुन साहब ने भेजी। इसके जो कैप्टन थे कुलकर्णी साहब थे, तो इन सभी लोगों ने मिलके इतनी विषम परिस्थिति में सियाचिन ग्लेशियर के तीनों चारों पॉइंट्स पे कब्जा बनाया। उसमें बहुत सैनिक मारे गए, हमारा एक सैनिक मारा गया था लेकिन पाकिस्तान के 30 सैनिक मारे गए थे। तो हम वीर शहीदों को याद करते हुए ये सब संभव हुआ, तो बेटा इसलिए बता रहे कि ये इंफॉर्मेशन हमें मिली, ये इंफॉर्मेशन हमें इंटेलिजेंस से मिली, और अगर ये इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं मिलती तो हम आज बहुत पीछे होते और इतनी हाई एल्टीट्यूड पे हमारा कब्जा नहीं हो पाता और सारा का सारा जो नियंत्रण था, जो सारा का सारा कंट्रोल था, वो पाकिस्तानी लोगों के पास पहुंच जाता, जो कि